वक्त मौजूद हूँ पीर सैयद मेहर अली शाह गोलरा शरीफ पर। आपका सिलसिला चिश्तिया के आप रूहानी बुज़ुर्ग हैं, आपने उर्दू अरबी और फारसी में तालीम हासिल की। आपका जो सबसे बड़ा कारनामा है आप कादियानियत के ख़िलाफ़ हैं। आपने बहुत सारी कुतुब लिखी, सबसे ज़्यादा जो उनकी पॉपुलर किताब है वो सैफ़े चिश्तियाई उनकी किताब है। आपकी रूहानियत के हवाले से यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं और फैज़ याब हो के यहाँ से जाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमादुद्दीन गिलानी साहब, अब हम इनसे बात करते हैं। अव्वल तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। आपकी तालीमात तसव्वुफ की हैं, तसव्वुफ आप जानते हैं, तसव्वुफ के बारे में वो कहते हैं जी कि तरीकत वजूद खिदमत खल्क नेस, तो ये खिदमत खल्क है, सिर्फ खिदमत खल्क के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हज़रत ने भी सारी उम्र सारी ज़िंदगी अपनी तालीमात में इसी चीज़ का दर्स दिया। आज हमारे माशरे में, आज हमारे मुल्क में जितना अदम बर्दाश्त का रवैया, जितना नफसा नफसी का आलम है, हर शख्स को अपनी है, तो तसव्वुफ़ से दूरी की बुनियाद पर ये मामलात सामने आ रहे हैं। वरना जो दरगाहें थीं ये एक दरसगाह थी जहाँ से किरदार की तामीर की जाती थी, लोगों के किरदार संवारे जाते थे। आज हमारे इदारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा जज, ये सब पेशे में अच्छे लोग पैदा करते हैं, पर अच्छे किरदार वाला शख्स आज पैदा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो अच्छा इंसान करना मुश्किल हो गया। आप क्या कहेंगे कि जो दरगाहें हैं इनका इंसानियत की फलाह बहबूद में और उनको सब्र और तहम्मुल के सबक देने में क्या रोल है और आप क्या मशवरा देंगे? सूफिया का तरीक़ यही रहा है कि उन्होंने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया, बर्दाश्त का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, यकजहती का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया। और आज इसी चीज़ का फुकदान हमारे माशरे में आप देख रहे हैं जा बजा है। अगर सूफिया की तालीमात पर हम अमल पैरा हो जाएँ तो हमारा बातिन भी सुकून में रहेगा, हमारा ज़ाहिर भी सुकून में रहेगा। इनसे दूरी इख्तियार करने की वजह से हम लोग इस लहज पे पहुँचे। बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम ने लोगों को अखुवत भाईचारे मोहब्बत का दर्स दिया और यही वजह है कि जिन लोगों ने औलिया इकराम के इन तालीमात पर अमल करना ख़त्म कर दिया है वो मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। यहाँ इन दरगाहों पर आने वालों का ये कहना है कि उन्हें इन दरगाहों से बहुत फैज़ याब होते हैं और जैसे ही वो यहाँ आते हैं वो अल्लाह के इन प्यारे बंदों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ मांगते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है और वो यहाँ से फैज़ याब होकर जाते हैं।